Welcome back, students. My name is Tahir, and I graciously welcome you all to this wonderful platform of J.K. Bose Foundation classes. So, good afternoon, good evening, and good morning to everyone. And I hope you all guys are doing great. And first of all, best of luck for your upcoming exam. और हमारी कोशिश यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा informative material जो है अपने बच्चों तक पहुंचा सके। आपका टाइम इंपॉर्टेंट है तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस स्पेशल वीडियो की। तो वीडियो के नीचे जो है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारे व्हाट्सएप चैनल का जो है मैं सेंड कर दूंगा, तो प्लीज मेक श्योर कि आप वहां ज्वाइन करते हैं पहले और आप वहां पे एग्जैक्टली इसका पीडीएफ जो है वो आप ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। बेसिकली पूरी कंसंट्रेशन जो है वो पोएटिक डिवाइसेस के ऊपर हम बात करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे कि पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे जो सिलेबस में पोएम्स हैं उनमें कौन कौन से बेसिक जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं वो पोएटिक डिवाइसेस कहाँ कहाँ पे यूज किए गए हैं और उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। तो ये पोएम्स का सिलेबस आप सबको पता है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं। देखिए, हमारे पास एक तरीका होता है, जब भी हम कोई बात रखने की कोशिश करते हैं, कोई तरीके से किसी चीज को बताते हैं, तो हम चाहते हैं कि जैसे मान के चलो अगर हमारे पास एक गाड़ी है और गाड़ी को हम चाहते हैं कि गाड़ी बहुत अच्छी दिखे, उसे हम पैंट करके रखते हैं, उसे हम धो के रखते हैं ताकि जब भी हम किसी के सामने इस गाड़ी को प्रेजेंट करें तो उसे वो अच्छी लगे। तो सेम वे अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ या मैं कोई लेक्चर दे रहा हूँ तो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन बिहाइंड दैट लेक्चर, ठीक है, ताकि मेरी जो बात है वो बेसिकली अच्छी लगे। तो बेसिकली पोएट्री में जो पोएटिक डिवाइसेस हैं ये भी इसलिए यूज किए जाते हैं कि पढ़ने वाले को या रीडर को, ठीक है, वो बहुत एक्सप्रेसिव लगे, और दूसरा ये हो कि उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा रहे किसी भी रीडर के ऊपर। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें जो हैं उन सबको हम पोएटिक डिवाइसेस कहते हैं। तो पोएटिक डिवाइस में पहला जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है वो है हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन बच्चे क्या होता है, इज व्हेन वर्ड्स इन द सेंटेंसेस और फ्रेजेस स्टार्ट विद द सेम कंसोनेंट साउंड, ठीक है, यानी कि सेम कंसोनेंट साउंड से बेसिकली अगर कुछ चीजें स्टार्ट हो रही हैं तो उन्हें बेसिकली हम कहते हैं कि ये एलिट्रेशन है। मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देता हूं, जैसे एक यहाँ पे लाइन का लाइन लिखा हुआ है, Sally sells seashells by the seashore. आप देख रहे हैं S का साउंड जो है बार बार रिपीट हो रहा है, कंसोनेंट साउंड जो है, और इट्स एन एलिटरेशन बिकॉज मेनी वर्ड्स स्टार्ट विद द सेम S साउंड, ठीक है, यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई वर्ड स्टार्ट हो, बहुत सारे वर्ड्स इससे S से स्टार्ट हो रहे हैं जो कि कंसोनेंट साउंड हमें दे रहा है। तो एलिटरेशन बेसिकली रिपीटेशन ऑफ द साउंड्स, नाउ कंसोनेंट साउंड्स रादर। उसके बाद आती है सिमिली। सिमिली आपको क्या है, जब हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, लाइक द मेटाफर ऑफर्स अनदर डिवाइस फॉर कंपैरिजन, हाउएवर ए सिमिली इज मच मोर ब्लेटेंट एंड यूजेस लाइक और एज। जैसे मैं कहूंगा सन इज लाइक फायर, ठीक है, सन इज लाइक फायर, यानी कि ये जो सूरज है आग की तरह है, ठीक है, आग की तरह है, या ये ऑलमोस्ट या एक मैं डिफरेंट एग्जांपल देता हूं जो आपको अच्छे से समझ आ जाए, ध्यान रखना। या मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, माय सन इज लाइक अ टाइगर, ध्यान रखना। तो इस चीज में आपने क्या ध्यान रखा कि लाइक वर्ड का मैंने यूज किया, ठीक है, लेकिन जब हम मेटाफर की बात करेंगे ना, यानी कि जब हम कंपैरिजन करते हैं दो अनफिमिलर या अनसिमिलर चीजों का, देखो सन और टाइगर, ये एक ह्यूमन बीइंग है और ये एक जानवर है, दो डिफरेंट चीजों को मैं कंपेयर कर रहा हूं लाइक की वजह से, ठीक है, तो इस पार्टिकुलर कंपैरिजन को हम पोएटिक डिवाइसेस के अकॉर्डिंग सिमिली कहते हैं, लाइक डिव, ठीक है। तो इस तरह से हमारी प्रेयर में ये यूज हुआ है। अब ध्यान रखना, अगर हम बात करें मेटाफर की, तो मेटाफर में हम क्या करेंगे, इसी सेम सेंटेंस को मैं लिखूंगा माय सन इज टाइगर, सिंपल, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया माय सन इज टाइगर, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई मैंने कह दिया कि भाई बस यही है, ठीक है। तो ये याद रखना, इज वेयर अ राइटर कंपेयर्स द क्वालिटी ऑफ वन थिंग टू दैट ऑफ अनदर डायरेक्टली, यानी कि कोई लाइक और एज का यूज नहीं है। नेक्टर ऑफ नॉलेज और अवेकन मी विद द फ्लावर, तो ये यूज हुआ है हमारी पॉइंट्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद है सिंबोलिज्म।
सिंबलिज्म क्या होता है? पोएट यूजेस सिंबलिज्म टू कन्वे हिडन मीनिंग्स. ठीक है, कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो हिडन मीनिंग्स समझाते हैं. जैसे एक एग्जांपल है, सम से द वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड विल एंड इन फायर. अगर आप ध्यान रखोगे ना, ये एक बिलीफ है लोगों का कि जब एंड हो जाएगी वर्ल्ड तो वो एक्चुअली क्या होगी, एंड इन फायर, आग में एंड हो जाएगी. कुछ कहते हैं कि आइस में एंड हो जाएगी, लेकिन इसके पीछे एक डिफरेंट मीनिंग है इस सेंटेंस के पीछे. ठीक है, सो ये सारी चीजें जब हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं कुछ डिफरेंट चीज को डिपिक्ट करने के लिए. दूसरी बात है पर्सोनिफिकेशन. जब एक जानवर को, एक बर्ड को, या एक आइडिया को, या एक ऑब्जेक्ट को इज सीन इन ह्यूमन टर्म्स, जैसे स्माइलिंग मून. क्या मून कभी स्माइल करता है? इंसान स्माइल करता है. ठीक है, मून तो कभी स्माइल नहीं करता. उसके बाद क्या है, अपॉर्चुनिटीज आर नॉकिंग द डोर्स. आप ध्यान रखना इस बात को, क्या अपॉर्चुनिटीज आके डोर को नॉक करते हैं रियल में? ऐसा तो नहीं है, बट इट इज समथिंग डिफरेंट. तो इस चीज को आप समझ लेना. दूसरी बात है हमारे पास ओनोमैटोपिया. क्या है? इज अ लिटरेरी एंड अ पोएटिक डिवाइस वेयर इन वर्ड्स आर एम्प्लॉयड टू इमिटेट द साउंड एसोसिएटेड विद व्हाट दे डिस्क्राइब. ध्यान रखना, मैं उर्दू में समझाने की कोशिश करता हूं. अगर हमारे पास इस तरह का कोई भी पोएटिक डिवाइस हम यूज कर रहे हैं, जैसे हम बोलेंगे गोला बारूद की घन गरज, समझ रहे हो आप बात? जैसे यानी कि कहीं पे गोला बारूद है, ठीक है, उसकी जो घन गरज है, तो मैं इसके साउंड्स भी साथ में प्रोड्यूस कर रहा हूं. कुछ एग्जांपल्स हैं, बट अप जंप कस्टर्ड स्नोटिंग लाइक एन इंजन. ठीक है, तो ये यहाँ पे इन वर्ड्स में हमें वो साउंड प्रिडिक्ट हो रहा है. क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन द डंजन. तो ये सारी चीजें हैं आपको साथ में, जैसे आप वर्ड्स को पढ़ रहे हो ना, आपको रियल लाइफ में जब ये सिचुएशंस हो रही होगी ना, उनके साउंड्स भी आपको, जैसे विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड जैंगलिंग स्क्रैम. तो इससे बेसिकली क्या समझ आ रहा है हमें, साउंड्स भी साथ में डिपिक्ट हो रहे हैं. तो बेसिकली इस टाइप का पोएटिक डिवाइस कहलाता है. उसके बाद आता है एंजॉयमेंट. एंजॉयमेंट क्या होता है बच्चों? इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस बियॉन्ड द लाइन ब्रेक कपलेट और स्टेंजा विदाउट एन एक्सपेक्टेड पॉज. जब हम अपनी बात को आगे बढ़ा लेते हैं जहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगला बंदा पॉज करेगा, लेकिन वो एक आधी लाइन आगे बोल जाएगा जिसका इसके साथ कोई टच नहीं होगा. तो ये चीज समझ लेना. उसके बाद क्या है नेक्स्ट? इमेजरी है. जब मान के चलो मैं कोई ऐसी बात कह दूं जिससे आपके दिमाग में एक सीन क्रिएट हो जाए, जैसे मैं आपसे कहूंगा कि मैं एक जंगल से जा रहा हूं, तो आज जैसे मैं आपसे कहूंगा मैं एक जंगल से जा रहा हूं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जंगल तो ऐसे होता है डरावने, वो पेड़ वेड़ आपको इमेजिन हो जाएंगे. सामने से एक बालू आ गया, तो बालू आपको नजर आ रहा है. आप अभी तक ये मेरी कहानी सुन रहे हैं, बट इन रियल अगर आप देखोगे तो इसकी एक इमेज आपके दिमाग में बन रही है. समझना, बहुत सिंपल है, बहुत शॉर्ट किया है मैंने इन चीजों को. अगर इसको डिटेल में समझाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा, बट आज इतना टाइम तो नहीं है. आई एक्चुअली इन सारी चीजों का मुझे नजर है कि आप लोगों का टाइम जो है, अगर आप ये 10-20-25 मिनट निकाल रहे हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो. तो इमेजरी क्या होता है? यानी कि जहां पे आपको ऐसा किया जाए कि इमेज दिमाग में क्रिएट की जाए, जैसे एनिमल फीडिंग इन द फील्ड्स. तो जैसे अगर कोई कहीं पे सेंटेंस मिलेगा एनिमल फीडिंग इन द फील्ड्स, तो यू विल रियलाइज एनिमल्स, हाँ चारों तरफ जानवर हैं और फील्ड्स के बीच में चल रहे हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा. तो इस तरह से इसे बेसिकली कहा जाता है हमारे पास, यानी कि इमेजरी. इमेजरी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, आई एम नॉट गोइंग इन दैट डिटेल. आयरनी क्या होता है बच्चों? आयरनी इज व्हेन समथिंग हैपेंस दैट इज अनएक्सपेक्टेड और अपोजिट टू व्हाट यू थिंक शुड हैपन. यानी कि कोई ऐसी चीज बच्चों, आप एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे थे और वहां से कुछ और एक्सपेक्ट हो गया. जैसे मान के चलो आपका कोई दोस्त कह रहा है व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, लेकिन ये पूरा दिन बारिश हो रही थी और इट वाज अ रेनी डे. तो आप उसके लिए ब्यूटीफुल है, ठीक है, या उसने एक्सप्रेस किया कि इट वाज अ ब्यूटीफुल डे, बट यू इट्स नॉट अ ब्यूटीफुल डे. तो यानी कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हुआ ही नहीं, तो आयरनी कहलाएगी. नेक्स्ट इज अल्यूजन. अल्यूजन इज बेसिकली अ नाउन और अ लिटरेरी डिवाइस व्हिच ब्रीफली एंड इनडायरेक्टली रेफरेंसेस अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया कंटेनिंग कल्चरल, हिस्टोरिकल, लिटरेरी और पोलिटिकल सिग्निफिकेंस टू द रीडर और ऑथर. ही इज रियल रोमियो विद द लैडीज. अब ध्यान रखना, रोमियो, ठीक है, यहाँ पे एक बेसिकली वर्ड यूज किया गया है. इस तरह शी इज रियल सिंड्रेला. सिंड्रेला इज समथिंग डिफरेंट, बट शी इज रियल यहाँ पे अल्यूजन की तरह इस्तेमाल किया गया है. उसके बाद आता है हमारे पास हाइपरबोला. बेसिकली क्या है? कभी कभार हम ज्यादा ही हद पार कर जाते हैं. जैसे अगर मैं आपसे एक सेंटेंस कहूं, आई एम सो टायर्ड ऑफ टेकिंग क्लासेस, आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर वन ईयर. अगर मैं मान के चलो आप मान भी रहे हैं कि सारे सो टायर्ड ऑफ टेकिंग क्लासेस, बट यहां पे ध्यान रखना, क्या ऐसा पॉसिबल है
कि मैं एक साल के लिए सो सकता हूं, नहीं. तो दिस इज इन पोएटिक टर्म्स इज कॉल्ड एज हाइपरबोला. नाउ मूविंग अहेड, राइमिंग स्कीम. आपको पता है कि अगर आपके पास सेम साउंड्स क्रिएट करने वाले वर्ड्स आते हैं, ठीक है, कभी कभार आपके पास सपोज जैसे यहाँ पे फेयर है, वेयर है, अगर ये सेम साउंड्स हैं, ऐसे ही क्लैम और सेम दोनों सेम साउंड्स दे रहे हैं, तो आप क्या काम करेंगे, ध्यान रखना बहुत अच्छे से. यहाँ पे आप देखिए, फेयर को आप यानी कि पहला साउंड है तो ए से डिनोट करेंगे, क्लैम जो है इसे दूसरा साउंड आ रहा है तो बी से, वेयर जो है वेयर और फेयर ए की जैसे साउंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ए, देयर, देयर भी ए ही आएगा क्योंकि फेयर वेयर एंड देयर ए. और यहाँ पे अगर आप सेम की बात कर रहे हैं तो सेम क्लैम बी के साथ मैच हो रहा है, यानी कि क्लैम सैम. साउंड्स देखो, साउंड्स को फील करो, फेयर वेयर देयर, ठीक है. तो ये तीन, तो इसका हम राइमिंग स्कीम स्टेंजा का कुछ ऐसे लिखेंगे कि ए बी ए ए और बी. आई होप कि आपको क्लियर है. अगर किसी पोएम में ये फॉलो नहीं होता है तो आप ध्यान रखना, यानी कि पहला स्टेंजा, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, फोर्थ लाइन, कहीं पे भी मैच नहीं हो रही है तो आप कहेंगे कि ये फ्री वर्स है, यानी कि इट्स नॉट फॉलोइंग एनी राइमिंग स्कीम, ठीक है. तो बहुत सिंपल और क्रिस्प और क्लियर ये चीज, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी. उसके बाद आपके पास आती है पोएम प्रेयर, जो कि गुलाम अहमद महजूर ने लिखी है और उसे जी ए मलिक ने ट्रांसलेट करा है. तो इसमें बेसिकली दुआ है. तो ये समरी जो है इसका पीडीएफ मैं आपको वैसे भी दे दूंगा, आप इसका इजीली नोट डाउन कर सकते हैं. तो चलिए बात करते हैं इसमें यूज किए गए पोएटिक डिवाइसेस के बारे में. सिमिलीज देखिए यहाँ पे, लाइक अ ड्यू, हाउ लॉन्ग शल आई वेट फॉर द फर्स्ट, ये यहाँ पे लाइक अ ड्यू के लिए इस्तेमाल किया गया है. उसके बाद मेटाफर्स है, यू आर माई होप एंड ट्रस्ट. देखिए होप और ट्रस्ट दोनों डिफरेंट चीजें हैं. मेटाफर है क्योंकि लाइक और एज का यूज नहीं किया गया, डायरेक्ट कंपेरिजन है. वे ऑफ ट्रूथ, वे अलग है, ट्रूथ अलग है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेटाफर्स. और ये सारे जो है इसमें मेटाफर्स यूज किए गए. उसके बाद देखिए हाइमन, बेसिकली एक ऐसी सांग को कहा जाता है जिसमें प्रेज हो, जिसमें दुआ हो या वर्शिप हो. उसके बाद रिपीटेशन है हमारे पास, यानी कि बार बार किसी वर्ड का रिपीट होना. अपार्ट फ्रॉम द फ्रेज लेट मी, द वर्ड्स लेट मी, आई, मी, आई, फ्रॉम यू, एक्स्ट्रा हैव बीन रिपीटेडली यूज्ड इन द पोएम, तो ये रिपीटेशन कहलाएगी, यानी कि वर्ड का बार बार रिपीट होना. एनाफोरा क्या होता है बच्चे, मैंने स्टार्ट में नहीं समझाया तो समझ लीजिए, इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द रिपीटेशन. इट इज रिपीटेशन ऑफ द वर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द टू आर मोर देन टू सक्सेसिव वर्सेस इन द पोएम. फॉर एग्जाम्पल द वर्ड लेट जो है यानी कि पहली लाइन में भी रिपीट हुआ है, हैज बीन रिपीटेड थ्राइस इन द बिगिनिंग ऑफ द थ्री सक्सेसिव वर्सेस. लेट लेट लेट, पहली लाइन में भी लेट आपको मिलेगा, ठीक है, फिर दूसरी लाइन में भी लेट आपको मिलेगा, तीसरी लाइन में भी. तो बेसिकली इससे कहा जाता है एनाफोरा, ठीक है, ध्यान रखना. उसके बाद आती है इमेजरी. मैंने आपको इमेजरी समझा दी है, इमेजिनेशन करना. तो इमेजरी के टाइप्स होते हैं, द पोएट सक्सेसफुली ड्रॉज द विजुअल ऑफ फ्लावर्स, ब्रीज, ये सारी चीजें इसमें इस्तेमाल हुई है एज बेसिकली द इमेजरी. और ये आपके पास एक फ्री वर्स पोएम है, ये भी आप ध्यान रखना. नेक्स्ट, उसके बाद है पोएम मिरेकल्स. मिरेकल्स में डिफरेंट तरह के मिरेकल्स पोएट सोचता है और पोएट का नाम है वाल्ट विटमैन, ठीक है. तो ये सारी चीजें मैंने आपके सामने लिख रखी हैं. हर एक चीज में पोएट को मिरेकल्स दिखते हैं, समरी आपकी लिखी हुई है. लेकिन हम बात करेंगे पोएटिक डिवाइसेस. देखिए सबसे पहले इमेजरी इसमें बहुत सारी जगहों पर यूज की गई है और कहां कहां पे है. वेट विद नेकेड फीट अलोंग द बीच, स्टैंड अंडर ट्रीज इन द वर्ड्स, ठीक है. तो ये सारी चीजें जो है आपकी इमेजरी में आएंगी. तो प्लीज टेक द अलॉन्ग विद दैट, टेक द स्क्रीनशॉट्स और साथ साथ में आप इसे नोट डाउन भी करते रहें. उसके बाद ये भी आपके पास बेसिकली इमेजरी में भी यूज किए गए हैं. उसके बाद देखिए नेक्स्ट इज ओके आई होप, हाँ ये है बिल्कुल. नाउ अगर हम बात करें एलिट्रेशन की, ठीक है, इज द रिपीटेशन ऑफ द इंशनल कंसोनेंट साउंड्स इन टू आर मोर नेबरिंग वर्ड्स आर सिलेबल्स. सम ऑफ द एग्जांपल्स फ्रॉम द पोएम आर मेक्स मच, वेदर आई वॉक, वेट विद, फीडिंग इन द फील्ड्स, ठीक है, और स्टार्स शाइनिंग सो. देखिए एस एस और एस, फीडिंग इन द फील्ड्स, देखो फीडिंग और एफ, यानी कि बार बार सेम कंसोनेंट साउंड्स रिपीट हो रहे हैं. वेट विद, डब्ल्यू डब्ल्यू, वेदर वॉक, makes much, m or m, ठीक है. I hope कि ये भी clear होगा. Repetition है, it's the repetition of the word, the phrase, the words that have been repeatedly used in the poem are as follows, are, at, every, miracles, बार बार use हुआ है, same and me. उसके बाद anaphora की अगर हम बात करें, anaphora क्या है, यानी कि बार बार एक line में किसी word का starting से repeat होना. It is one of the types of the repetition. It is the repetition of the word at the beginning of the two or more than two successive verses or lines, जिसे हम कहेंगे in a poem. For example, all the verses and more than two stanzas start with the same word.
आर एंड इन द लास्ट टेंस, थ्री सक्सेसिव वर्सेस स्टार्ट विद द सेम वर्ड एवरी, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, फ्री वर्स पोएम है, इसमें कोई राइमिंग स्कीम फॉलो नहीं होती है। नेक्स्ट के बात करेंगे व्हेन यू आर ओल्ड है, पोएम आपके पास है व्हेन यू आर ओल्ड। इसमें बेसिकली अगर हम बात करें डब्ल्यू बी ईट्स, ये पोएम जो है अपने मेमोरीज के लिए कुछ इमेजिनरी क्रिएट करते हुए लिख रहे हैं कि जब उनकी बिलावज जो है इन पोएम्स को पढ़ेगी जो उसने रियल लाइफ में लिखी होगी, और वो तब पढ़ेगी जब शायर इस दुनिया से गुजर चुका होगा। तो ये सारी इमेजरी क्रिएट की जा रही है यहाँ पे। उसके बाद इमेजरी इसमें बहुत ज्यादा यूज की गई है, मैंने आपको पहले ही बताया जब यू इमेजिन करते हो व्हेन यू आर इन ओल्ड इन ग्रे, ये भी इमेजरी है। तो इमेजिनेशन एंड नोडिंग बाय द फायर, तो ये सारी चीजें इमेजरी की तरह यूज हुई है। उसके बाद राइमिंग स्कीम, अगर हम राइमिंग स्कीम की बच्चों बात करें तो इसमें राइमिंग स्कीम ए बी बी ए, यानी कि पहला जो लाइन का लास्ट वर्ड है उसका उसका और फोर्थ लाइन का साउंड मैच हो रहा है और सेंटर की दो लाइंस का साउंड मैच हो रहा है। सिंबलिज्म में क्या है, यीस्ट हैज यूज्ड न्यूमरस इमेजेस ऑफ टू फॉर्म द सिंबल्स, यानी कि जब हम किसी सिंबल का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसके पीछे एक हिडन मीनिंग होता है, तो ध्यान रखना। द राइमिंग कपलेट टेक डाउन दिस बुक एंड रीड एंड द ड्रीम ऑफ द सॉफ्ट लुक मेक्स यूज ऑफ बुक एज सिंबल फॉर रीडिंग समवन्स फेस। तो यहाँ पे ये बुक मतलब नहीं है, ये रीडिंग ऑफ द फेस का मीनिंग लिया गया है इस चीज से, यानी कि बात कुछ और कही गई है और उसके पीछे जो हिडन मीनिंग है वो कुछ और है। यूज ऑफ द फ्रेज लाइक नोडिंग बाय द फायर एंड आईज हैविंग शैडोज डीप इज द सिंबल ऑफ डेथ एंड मोर्टैलिटी व्हेन डिस्क्राइबिंग समवन इन देयर ओल्ड एज, जब हम किसी को ओल्ड एज में डिस्क्राइब कर रहे हो कि भैया ये ओल्ड एज हो चुका है, तो ये सारी चीजें हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इन्हें अच्छे से पढ़ते हैं। उसके बाद मैंने आपको पोएटिक डिवाइस समझा दिया, उसके एग्जाम्पल्स बोर्ड पर लिखे हैं, बस आपको सिर्फ रीड आउट करना है इसको, आप समझ जाएंगे। क्योंकि अगर इसको मैं हर एक को रीड करने बैठ जाऊंगा, 10 पोएम्स हैं तो ये 2 घंटे का वीडियो बन जाए, 2 आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। पर्सोनिफिकेशन, अब जहां यहाँ पे देखोगे लव फ्लैड एज वी नो लव इज फीलिंग बट इट हैज बीन पर्सोनिफाइड एज द पोएट सेज दैट द लव फ्लैड, यहाँ पे देखो लव फ्लैड हाई अबोव द माउंटेन्स, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज समथिंग, जैसे हम एक लिविंग कैरेक्टर का मीनिंग यहाँ पे देख रहे हैं। एलिट्रेशन, फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ आर एग्जैक्टली जैसे ग्लेड ग्रेस बेंडिंग डाउन बिसाइड्स, ये रिपीट हुए हैं। तो इसमें देखिए एलिट्रेशन यूज हुआ है ग्लैड ग्रेस, ठीक है, जी जी सेम कंसोनेंट साउंड हुआ है। बेंडिंग डाउन बिसाइड, बेंडिंग और बी में सेम वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, सेम पहला वर्ड जो है स्टार्टिंग में रिपीट है। रिपीटेशन, द वर्ड्स एंड लाउड ऑफ योर हाउ द एक्स्ट्रा हैव बीन रिपीटेडली यूज्ड, एनाफोरा भी इसमें यूज किया गया है। सेकेंड और थर्ड वर्स ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा एंड द लास्ट टू वर्सेस ऑफ द लास्ट टू स्टैंजा स्टेट्स दैट द एनाफोरा has been used as their consecutive verses begin with the same word and for example and nodding by the fire take down this book and slowly read and dream of the soft look, ध्यान रखना यहाँ पे, and placed upon the mountains over dead oh sorry overhead and hid his face amid of crowded stars crowd of stars। तो यहाँ पे बेसिकली एनाफोरा का यूज किया गया है। अब उसके बाद मेटाफर्स इस पोएम में बहुत सारे यूज किए गए हैं। मेटाफर मैंने आपको कहा डायरेक्ट कंपैरिजन, देखिए लव टू अ स्टार, ठीक है। उसके बाद क्या है, दैट पोएट कंपेयर्स हिज लव टू अ स्टार, ठीक है, स्टार के साथ डायरेक्टली कंपेयर किया गया है। सिमिलरली पोएट लव फॉर मैडगन विल ऑलवेज बी देयर बट विल बी डिस्टेंट From her like a star, ठीक है। तो ये वाले directly use किए गए हैं, यानी कि metaphor है। उसके बाद है हमारे पास speak up। speak up जो है ये basically फैज अहमद फैज की लिखी हुई एक poem है। इसमें फैज अहमद फैज कह रहे हैं कि बच्चों या किसी भी reader से कह रहे हैं कि अपनी बात को लोगों के सामने रखो, अपने हक के लिए बोलो, अपने आवाज के लिए बोलो, ठीक है। तो ये सारी कहानी है इसमें। अब देखते हैं हम इसमें कौन से पोएटिक डिवाइसेस हैं। देखिए मेटाफर्स बेसिकली यूज किए गए हैं। लिप्स आर नॉट सील्ड, लिप्स और सील्ड डिफरेंट चीज है। टाइम रनिंग आउट, रनिंग आउट एंड टाइम डिफरेंट। बिफोर योर बॉडी एंड माइंड फेड अवे ट्रूथ इज नॉट येट डेड, ठीक है, ट्रूथ सच्चाई दो अनफेमिलियर इज नॉट येट डेड। तो यहाँ पे मेटाफर्स का डायरेक्टली कंपैरिजन किया गया है। इमेज, रेड ओवन, फेयरस्ट फ्लैम्स, पैडलॉक्स ओपनिंग इन द माउथ, फ्लैटर्स कटिंग अराउंड, ये सारी चीजें, ठीक है। इस तरह ये किसी और दूसरी पोएम का है, बट अगेन इमेज आप ध्यान रख सकते हैं, दीज आर इमेजरी अगेन। उसके बाद एंजॉयमेंट है। एंजॉयमेंट बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया था
कि एक आइडिया अभी अधूरा ही है और हम दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इट हैज बीन यूज्ड इन द फर्स्ट कपलेट ऑफ द पोएम एज देयर मीनिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। फॉर एग्जांपल, स्पीक अप फॉर योर लिप्स आर नॉट सील्ड, अलग चीज है, ठीक है, एंड योर वर्ड्स आर स्टिल योर ओन, दो डिफरेंट चीजें हैं। यानी कि अगर ये और ये थोड़ा सा अलग चीजें बताई जा रही हैं। और उसके बाद है एलिट्रेशन हमारे, फ्रेजेस लाइक फियरस फ्लेम्स आर ऑलरेडी बिफोर योर बॉडी, सोल इज स्टिल रिप्रेजेंट एलिट्रेशन इन दिस पोएम, ठीक है। रिपीटेशन हुई, द फ्रोज स्पीक अप हैज बीन रिपीटेडली यूज्ड इन द फर्स्ट सेकंड स्टैंजा, तो ये चीजें आप ध्यान रखोगे। उसके बाद मेटाफर है, इट्स अ कंपैरिजन ड्रॉन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज। वेरियस मेटाफर्स यूज्ड इन दिस पोएम आर स्मिथीज शॉप, ठीक है, उसके बाद ओवन, द फ्लैम्स, देन द पैडलॉक एंड द फिटर, ठीक है, तो इस चीजों का ध्यान रखना। उसके बाद स्नो ड्रॉप की अगर हम बात करें तो स्नो के टाइम का कल्चर या स्नो के टाइम के जो फीलिंग्स है इस सारी पोम में बेसिकली डिस्क्राइब किया गया है कि जब बहुत ज्यादा बर्फबारी ठंड होती है एनिमल्स का क्या रिएक्शन रहता है, उस चीज को बेसिकली बताया गया है। इसमें कौन से बेसिकली इमेजरी, नेचर की इमेजरी यूज की गई है, यूनिवर्स, ग्लोब, स्टार्स, मेटल्स एंड ऑलरेडी सिमिलीज बहुत जगह पे इसमें पोएम में इस्तेमाल हुई है। द एजाइल माउसेस हॉट हैज बिकम वेरी डल, ठीक है, हॉट का डल हो जाना, राउंड एज दो इट वुड अराउंड द माउस, इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें इसमें सिमिली की तरह इस्तेमाल लाइक और एज का यूज करके किए गए हैं। एसोनेंस बेसिकली क्या है, रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड्स। जैसे मैंने आपको बेसिकली कहा था कि एलिट्रेशन में क्या होता है, कंसोनेंट साउंड्स होते हैं और यहाँ वॉवल साउंड, जैसे हैवी एज मेटल द वाइट पेटल्स, देखिए यहाँ ई मेटल और यहाँ पे ई, ये ई पे ज्यादा स्ट्रेस है, ठीक है। द रिपीटेशन ऑफ द शॉर्ट ई, ठीक है, शॉर्ट ई साउंड इन हैवी मेटल एंड पेटल क्रिएट्स अ सेंस ऑफ वेट सॉलिडिटी, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इस तरह से दो और एग्जांपल्स मैंने लिखी है जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद एलिट्रेशन है, वेंटरिंग हीट वेजल एंड ट्रो, ध्यान रखना वेंटरिंग, ये और ये देखिए साथ में रिपीट हो रहे हैं, हर पेल हेड एच एच एच, ये सेम साउंड से, यानी कि सेम साउंड से बहुत सारे वर्ड्स एक ही लाइन में रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद है माय मदर एट 66, ठीक है, पोएम लिखी है कमला दास ने, जिसमें वो अपनी माँ का रिएक्शन डिनोट करती है एक ट्रिप के अंदर, ठीक है। तो ये सारी कहानी है जो कि समरी आपको मिल जाएगी, लेकिन इसमें जो पोएटिक डिवाइसेस है, क्योंकि ये पूरा लेसन जो रहेगा पोएटिक डिवाइसेस के ही ऊपर रहेगा बच्चों, तो नाउ सिमिलीज, हर फेस एशियन लाइक का यूज किया गया है, यहाँ पे एज का यूज किया गया है, तो बेसिकली ये आपके सिमिलीज में आएंगे। इमेजरी कॉप्स का इमेजिनेशन किया गया है इस में कि जब वो मर जाएगी एंड ऑल दैट, सो उसके बाद रिपीटेशन का है, smile and smile and smile, इसमें basically repetition use किया गया, contrast used in the poem is between in और contrast भी use किया गया है old age और childhood age में क्या एक इंसान के feelings होते हैं, ये सारी चीजें बताई गई हैं। an evening wet with rain, ठीक है, ये basically Paul Reeves poem here, an evening wet with rain, जब आप emotions के साथ गिरे हुए हों और बारिश हो रही हो, जब आप बाहर जाते हैं, किस तरह की feeling पूरी इसमें represent की गई है, तो इसमें बहुत सारी चीजें imagery की तरह use की गई हैं पूरी poem के अंदर। तो देखिए alliteration सबसे पहले use किया गया है, walking through the land, ठीक है, and hot becomes the bands hands, ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे एच एच देखिए, यहाँ पे वॉकिंग थ्रू द लैंड, ठीक है, तो ये वॉकिंग थ्रू द लैंड एंड हॉट बिकन्स द हैंड्स, तो ये बहुत सारे ऐसे सेम साउंड से शुरू होने वाले लाइंस जो हैं इसमें यूज किए गए हैं। एसोनेंस रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड्स, इसमें देखो आईज आर हैवी एंड स्लीप, यानी कि वॉवल का हैवी होना या सॉलिडिटी डिफाइन कर रहा है। मेटाफर ए फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू अनलाइक थिंग्स, मैंने हर चीज बार बार लिख रखी है, द हॉट बिकन्स एंड द हैंड्स, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। इमेजरी द यूज ऑफ विविड लैंग्वेज टू क्रिएट सेंसरी एक्सपीरियंसेस फॉर द रीडर, एविडेंट डिस्क्रिप्शंस लाइक द हॉट बीकन्स, ये बहुत सारी जगहों पे यूज किया गया है। पर्सनिफिकेशन है, गिवन ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, यानी कि जो ह्यूमंस कर सकते हैं वो किसी नॉन ह्यूमन के साथ हम रिलेट कर रहे हैं। आइडियाज एज इन द इवनिंग ऑफ माई कंपेनियन इज ऑल्सो डिप्रेस्ड, ठीक है, तो ये यहाँ पे यूज किया गया है एज पर्सनिफिकेशन। उसके बाद है कस्टर्ड द ड्रैगन, जिसमें एक बलिंदा नाम की एक लड़की है, उसके पास कुछ पेट्स होते हैं और उस रिएक्शन को डिनोट किया गया है, उनकी ब्रेवरी के ऊपर बात करी गई है, तो सारी कहानी मैंने लिख दी है। तो बेसिकली इसमें राइटर याद रखना ऑगडेन नाश, बहुत जबरदस्त फ्री वर्स का किंग बोला जाता है इसे।
राइमिंग स्कीम जो है द पोइम फॉलोज ए कंसिस्टेंट राइमिंग स्कीम ऑफ ए ए बी बी सॉरी इसके नहीं बोला जाता इसे ध्यान रखिएगा फॉर द मोस्ट स्टैंजास क्रिएटिंग इसमें जो राइमिंग स्कीम है वो ये वाली यूज की गई है ठीक है नैश यूजेस सिमिलर्स टू ड्रॉ विविड कंपैरिजंस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्ट्स सच एज शार्प एज मस्टर्ड देखिए यहाँ एज का यूज किया गया है सिमिली है माउथ लाइक अ फायरप्लेस लाइक जो बेसिकली है यहाँ पे सिमिली है मेटाफर आर लाइक मेटाफर्स भी यूज किए गए हैं देखिए मेटाफर लाइक चिमनी फॉर अ नोज चिमनी फॉर अ नोज चिमनी डिफरेंट है नोज डिफरेंट है डायरेक्टली किया गया है कंपेरिजन या यहाँ पे रिलियो ट्रूलियो डेगर्स ऑन हिज टोज तो ये है उसके बाद रिपीटेशन है द पोइट एम्प्लाइज रिपीटेशन एट वेरियस पॉइंट्स इन द पोएम टू क्रिएट अ रिदमिक इफेक्ट तो ये रिदमिक इफेक्ट देने के लिए है तो रिपीटेशन तो है उसके बाद ओनोमेटोपिया बेसिकली क्या होता है ये एक पोएटिक डिवाइस है इसमें क्या होता है यूज ऑफ द वर्ड्स लाइक वेक और मैनिमिक साउंड्स ठीक है मैंने आपको पहले ही बता दिया था यानी कि जो साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं ठीक है यानी कि अगर कोई बात एक्सप्रेस कर रहे हैं उसमें साउंड्स की बात हो रही है तो साथ में साउंड्स भी यूज किया जाता है अलॉन्ग द वर्ड लाइक क्लैटर क्लैंक एंड जैंगलिंग तो इसमें हमें वो साउंड्स भी बेसिकली दिख रहे हैं एलिट्रेशन इसमें यूज की गई है अगर आप देखोगे एंड ही इज हेल्ड इन हिज टीथ क्लच्ड ब्राइट एनहांसिंग द म्यूजिकलिटी एंड रिदमिक ऑफ द वर्सेस ठीक है इसमें यहां से आप देख सकते हो यहां से स्टार्ट होता है यहां से लेकर यहां तक ठीक है इस वाली लाइन में यूज किया गया है आयरनी है नैश इंप्लाइज आयरनी टू क्रिएट ह्यूमर एंड अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स इन द नैरेटिव नैरेटिव जो है उसके दिमाग में वो ट्विस्ट्स डालने के लिए सच एज कस्टर्ड्स A cowardly behavior. आप देख सकते हो कस्टर्ड जो होते हैं ये कावर्ड कभी नहीं होते ये बहुत स्ट्रांग होते हैं ये बात याद रखना क्योंकि कस्टर्ड बेसिकली यहाँ पे जो यूज किया गया है ड्रैगन के लिए यूज किया गया है ड्रैगन तो बहुत खतरनाक चीजें होते हैं ठीक है उसके बाद लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून ठीक है द पोएम लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून हैज बीन रिटन बाय डी एच लॉरेंस ठीक है 1885 or 1930 it expresses a mood of a bitter desperation at the thankless of a teacher's work. The teacher finds his students unwilling to learn in spite of all his efforts. तो ये common सी चीज़ है. Once अगर आप किसी school में पढ़ा रहे हैं, I have seen this several of times as well. कि जब आप 2 के बाद मैथ्स का क्लास देने जाते हैं या कोई ऐसा क्लास देने जाते हैं या हिस्ट्री का क्लास देने जाते हैं तो students are totally not like willing to create that effect. तो ये सारी चीजें जरूरी हैं उसमें नीदर दे आर अटेंटिव इन द क्लास तो ये वो बेसिकली उस सारी सीन को डिफाइन करता है इस पोएम के अंदर तो इसमें पोएटिक डिवाइसेस कहाँ पे इमेजरी यूज किए यूज ऑफ विविड डिस्क्रिप्शंस एंड सेंसरी डिटेल्स टू क्रिएट मेंटल इमेजेस फॉर रीडर्स एनहांसिंग द इमोशनल इंपैक्ट ऑफ द पोएम ये इसमें बहुत सारी जगहों पर यूज मेटाफर कंपेयरिंग टू थिंग्स टू कन्वे अ डीपर मीनिंग टू क्रिएट अ विविड इमेज दैट रेजोनेट्स विद द रीडर ठीक है पर्सोनिफिकेशन गिविंग अ ह्यूमन क्वालिटीज टू द नॉन ह्यूमन इसमें यूज की गई है एलिट्रेशंस वगैरह इसमें यूज की गई है सिंबलिज्म इसमें यूज है राइमिंग स्कीम वगैरह का यूज किया गया है इसमें ठीक है उसके बाद फ्रॉम आई एक्सप्लेन अ फ्यू थिंग्स समरी जो है मैंने ऑलरेडी लिख रखी है पोएटिक डिवाइसेस इसमें क्या क्या यूज किए गए हैं इमेजरी द पोएम इज रिच इन विविड इमेजरी दैट पॉइंट्स अ स्टार्क पिक्चर ऑफ द स्पैनिश सिविल वार की इमेजरी जो है इसमें क्रिएट की गई है सिविल वार यूजिंग विजुअल डिस्क्रिप्शंस टू एवोक स्ट्रॉन्ग इमेजेस एंड क्रिएट सेंस ऑफ अर्जेंसी नीरोडा एम्प्लॉयज मेटाफर्स टू कंपेयर एलिमेंट्स ऑफ वॉर एंड वायलेंस बहुत सारे मेटाफर्स को यूज किया गया है जो वार वगैरह के बारे में हम बात करते हैं रिपीटेशन ऑफ द फ्रेज लाइक कम एंड सी द ब्लड इन द स्ट्रीट्स ये बार बार रिपीट किया गया है द यूज ऑफ द सिंबल सच एज फ्लावर्स ब्लड एंड वेपन्स सिंबलाइज different aspects here तो इनका basically use जो है वो different aspects में किया गया है alliteration इसमें use की गई है जैसे clustering bread creates a rhythmic quality burning bonfires जैसे यहाँ पे burning bonfires दोनों एक ही sound से start हो रहे हैं personifications use की गई है ठीक है और rhyme scheme क्या है while not strictly followed in the rhyming scheme the poem uses internal rhyme and slant rhyme to create a musical quality that enhances its lyrical nature उसके बाद क्या है This is basically, I hope, all the poems we have discussed up till and I hope कि हमने सारी poems के बारे में बात कर ली है एक बार ही हम इसको check करके देख लेते हैं कि हमने कोई चीज miss तो नहीं करी इसमें से ताकि आप
ये जो है आई होप के जिसके बारे में मैं, हाँ बिल्कुल, हमने सभी पोएम्स के बारे में बात कर ली है। देखिए प्रेयर के बाद में हमने बात की, मिरेकल्स पे भी की, व्हेन यू आर ओल्ड स्पीक अप, स्नो ड्रॉप, माय मदर एट 66, एंड इवनिंग वेट विद रैन, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, द लास्ट लेसन ऑफ आफ्टरनून, एंड फ्रॉम आई एक्सप्लेन अ फ्यू थिंग्स। तो देखिए बच्चों, लेसन इसमें आप सिंपल, दिस लेसन इज बेसिकली अ हिंट। तो यहाँ पे आप नीचे बाद में कुछ लोग जो है जो पहली बार साल में प्रिपरेशन के लिए बैठ जाते हैं एंड दे बिकम द डिक्टेटर्स एट द एंड, तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, ये उन बच्चों के लिए एक रिवीजन क्लास है जिनने पूरे साल पढ़ा हुआ है, एक चीज में जहन में रखना अच्छे से। और दूसरी बात यह है कि इन सारी चीजों को आप अच्छे से विजुअलाइज करें, देखें और कहाँ कहाँ पे मैंने जो बताई है वो जहन में रखें, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन बैंक में जो पोइम्स का सेक्शन है, बहुत सारी पोइम्स हैं, उसके नीचे जो कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं कहीं पे, अगर आप क्वेश्चन बैंक देखते हो तो हमने क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी व्हाट्सएप के ग्रुप में जो है हमारा चैनल ग्रुप उसमें सेंड किया था। हम कोशिश करेंगे कि इस पोइम के नीचे भी हम एग्जैक्टली ये रख दें ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर जो है इन सारी चीजों का मिल सके। तो अब टिल देन वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन। तो मैं आप सबको बता दूं कि कॉन्सेंट्रेट करिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। हम कोशिश करेंगे कि आपको एक सेट पेपर और जो है वो दिखा सकें, अगर पॉसिबल होता है, गारंटी इस चीज की नहीं ले रहा हूं मैं, बट मैं कोशिश करूंगा कि ये सारी चीजें मैं आपको बता सकूं। अप टिल देन वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन एवरीवन गाइस, दिस बैच 2024 विश यू ऑल द बेस्ट। वी ट्राइड अवर लेवल बेस्ट, जितना हमसे हो सका वो हमने किया आप सब लोगों के लिए, एंड आई होप कि आप इस चीज को जरूर जो है अप्रिशिएट जो है वो करेंगे। अप टिल देन वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस। थैंक यू।